हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वो वीडियो लेके आया हूँ कि अगर जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे घर में जो CFL बल्ब होते हैं, LED बल्ब होते हैं, बहुत ही जल्दी ये मतलब फ्यूज़ हो जाते हैं। जैसे उनकी जो गारंटी होती है साल ही होती है। जिस तरह मैंने LED बल्ब लाया, इसकी गारंटी साल ही थी, तो अब ये फ्यूज़ हो गया, ये काम नहीं करा। जैसे मैं आपको पहले लगा के बता देता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने लगा दिया तो ये अभी ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा है बल्ब। तो चलिए मैं अब बताता हूँ, अगर आप कोई LED बल्ब अगर आपका काम नहीं कर रहा है तो उसका मतलब कैसे रिपेयरिंग करनी है। ये LED बल्ब है तो इसको रिपेयरिंग क्या करनी है, सबसे पहले इसको खोलने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि इसको खोलना किस तरह है। क्योंकि इधर ये कट बने होते हैं, यहाँ पे आपने क्या करना है, इधर कट पे स्क्रू ड्राइवर जहाँ पे फंसाई है इसका कट पे, और ये नीचे की तरफ ये जो होगा ये नीचे की तरफ प्रेस होगा, जिस तरह आपको आवाज़ आ रही है नीचे की तरफ प्रेस होगा, इसको नीचे की तरफ आपने प्रेस करना है। तो स्क्रू ड्राइवर आपने बीच में फंसा देना, ये देखिए जैसे आप करेंगे तो ये अलग हो जाएगा। उसके फ्रेंड्स हम बाद में जब देखेंगे जो इसके बीच में क्या है, जो LEDs लगी होती हैं, जैसे ही आप खोलोगे तो देखोगे कि इनमें से किसी एक LED का जो कलर है वो चेंज हो गया होगा, LED का कलर चेंज हो गया होगा। जिस तरह ये वो एक LED है, इसका कलर मतलब चेंज हो गया है। तो हमने क्या करना है कि बाकी इसका मतलब क्या है कि ये जो LEDs हैं बाकी तो सारी ठीक हैं, ये एक LED खराब है। ये एक LED का कलर मतलब चेंज हो गया, ये LED खराब है। इसके लिए हमको क्या करना है, बाकी ये LED से तो सारी ठीक ही, इस LED की वजह से ये जो सारा सर्किट है ये आपस में चल नहीं रहा है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इस LED को हमने आपस में क्या करना है, ये जो दो पॉइंट्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इनको हमने ये पॉइंट्स को शार्ट करना है। चलिए हमें क्या को शार्ट करना है, आपको ये एक छोटी सी वायर ले लीजिए, फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो मेरे आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और लास्ट तक देखिए। अगर बीच में आप वीडियो छोड़ेंगे तो आपको कुछ पता नहीं लगेगा मैंने क्या किया। पहले आप इस वायर को थोड़ी सी पेस्ट लगा लीजिए, तो उसके बाद आप क्या कीजिए, ये हमने सोल्डर वायर लगा ली, कली लगा ली इसको, और थोड़ी सी जो पेस्ट है वो हमने इसके जो LED शार्ट करनी है इसको भी लगानी है इधर। आराम से इसको हमने जहां से पकड़ के इसके जो दोनों पॉइंट्स हैं नीचे से हमने इसको सोल्डर लगा के शार्ट करना है। ये क्योंकि इसकी सोल्डर नीचे है तो इसको थोड़ा सोल्डर टांका लगाने में ना आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बने रहिए फ्रेंड्स मैं पूरा आपको बताऊंगा। क्योंकि ये बिल्कुल ही ओरिजिनली मैं जो मैं कर रहा हूँ, उसके बाद इसको वायर को कट कर लीजिए। ये फ्रेंड्स देखिए, मैंने जे वाला पॉइंट और जे वाला पॉइंट आपस में शार्ट कर दिया इसको,
ये देखिए शार्ट कर दिया है इसको, दोनों पॉइंट्स को आपस में शार्ट कर लिया। अब हम चेक करेंगे कि ये एलईडी बल्ब जलता है या नहीं जलता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एलईडी बल्ब आप हमारा चल पड़ा है, सिर्फ वो वाली जो एलईडी थी वो वाली एलईडी नहीं चली है, बाकी ये एलईडी बल्ब चल पड़ा है। फ्रेंड्स होप करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।